अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ हम लोग सब ठीक होंगे। एक और वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो यार, आज का दिन का ना आगाज़ मेरे साथ ना अच्छा नहीं हुआ। अभी सुबह सुबह निहार मुँह क्लास लग गई है। क्लास लगने के बाद उसके बाद उठाऊँ तो आगे जी मोबाइल उठाया, नेट ऑन किया तो पहला नोटिफिकेशन आया हुआ था कि भाई स्ट्राइक आ गई है। तो यार, अब एक छोटे यूट्यूबर्स के लिए जो अभी ग्रो कर रहा है उसके लिए एक स्ट्राइक भी ना बड़ा मायने रखती है ना। लेकिन आई कहाँ से है? स्टार स्पोर्ट नेटवर्क की तरफ से ना। जैसे डकी को उन्होंने स्ट्राइक दी थी, ऐसे ही जो है उन्होंने मुझे जो है ना स्ट्राइक दे दी है। क्योंकि मैंने कुछ मैंने सीम शाह के दो जो छक्के उसने मारे थे उनका क्लिप यूज़ किया था, उस पर उन्होंने दे दिया। वो वीडियो मेरी डाउन हो गई है। अच्छा, 2 दिन से ना मेरी वीडियोज़ ना सही चल रही थी, मेरा चैनल भी सही ग्रो हो रहा था। जिस तरह होता है ना, जिस हिसाब से, बिल्कुल उसी हिसाब से ना चैनल ग्रो हो रहा था। यानी जिस वीडियो पे मेरा वो आया स्ट्राइक आई, उस पर 3500-4000 तक व्यूज़ थे। उसके बाद उसके एक और वीडियो जो है उस पर भी 2500 तक जो है व्यूज़ हो गए होंगे। रात तो 2000 थे, 2500 तक उम्मीद है हो गए होंगे, और सब्सक्राइबर्स भी जो है ना आ रहे थे। यानी एक तरह से अच्छा जो है ना चैनल ग्रो हो रहा था, रिकमेंडेशन में जा रही थी वीडियोज़। लेकिन अभी ये जो है ये स्ट्राइक आ गई है। मुझे नहीं पता इन्होंने स्ट्राइक क्यों दी, किस वजह से दी। हालांकि मैंने जो उसके अंदर क्लिप यूज़ किए हैं, मैंने पीटीवी के यूज़ किए हैं, वहाँ पे मैंने लिखा भी है कर्टिसी पीटीवी को क्रेडिट वगैरह भी दिया है ऑल एंड ऑल। लेकिन ये स्टार स्पोर्ट्स वाले मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। कल थोड़ा इनका इशू हुआ हुआ था कॉपीराइट क्लेम का ना, वो आया हुआ था, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं थी, सिर्फ उन्होंने कॉपीराइट क्लेम किया था कि ये ना कॉन्टेंट इनका है। मैंने कल उन्हें डिस्प्यूट भेजा था, मैंने कहा भाई मैंने पीटीवी का यूज़ किया है और जो है मैंने भी क्लिप यूज़ किए हैं पीटीवी के, और मैंने उन्हें क्रेडिट दिया तो कुछ भी नहीं। लेकिन आज जो है सुबह सुबह कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया और वो वीडियो जो है ना रिमूव हो गई है यूट्यूब से ना। तो यार, अकेला मैंने थोड़ा वीडियो बनाई है, और देख लो उन्होंने टीवी की तरफ कैमरा करके बनाई है, स्टेडियम के अंदर जाके वीडियोज़ बनाई है, टीवी का करके बनाई है। उनको उन्होंने स्ट्राइक नहीं दी, मुझे स्ट्राइक दे दी है। डक्की को भी बेचारे को स्ट्राइक लगी हुई है, मुझे भी स्ट्राइक लगी हुई है। स्ट्राइक वैसे 3 महीने बाद रिमूव हो जाती है, लेकिन 3 महीने के अंदर आप अगर, जैसे अब मैं हूँ ना, मेरे अगर सब कुछ मोनेटाइजेशन वाला सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, 3 महीने के अंदर मैं वो मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकूँगा। क्योंकि एक मेरे पास एक्टिव जो है ना कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक जो है वो मेरे अकाउंट पर एक्टिव होगी। देखिए के साथ भी ये, उसको तो 2 मिल गई हैं 3 महीने के अंदर। अब अगर तीसरी मिल गई 3 महीने के अंदर तो उसका चैनल में भी टर्मिनेट हो जाए या जो भी हो जाए। बाकी मैंने अभी कॉन्टैक्ट उन्हें करने तो लगा, उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है कि अगर आपको कोई है तो उससे करें। मैं उनसे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, देखो क्या बनता है। उम्मीद है कि भाई कुछ बेहतर होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। स्टार स्पोर्ट वाले हैं ना, इंडिया वाले वगैरह के बच्चे, फ्लो में थोड़ा निकल रहा है, लेकिन क्या करें यार। अब निकलता तो है, जब आपने इतनी मेहनत करके एक वीडियो बनाई हो, उसके बाद जो है आके आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे दें किसी बिना किसी वजह से, तब सब कुछ फ्लो में निकल जाता है। उन्हें है ना भाई, इंडिया का चैनल है ना, पाकिस्तान से उन्होंने दुश्मनी तो दिखानी है, और वो क्या करेंगे। सारा मूड ही जो है ना, आज सुबह सुबह ही पहले निहार मुँह क्लास लग गई है घर के अंदर ही, वो तो उसके बाद फिर ये आ गया, ये वाला एक अलग पंगा है। तो मैंने की है मेरे, बाकी जैसे अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊँगा। फिर यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।